बहुतारिणी क्लेशहारिणी दुखहारिणी विश्वंभरी विश्व की पोषणी मनवांछित फल प्रदान करने वाली माँ भगवत की चरणारविंद में सर्वप्रथम हमारा कोटि कोटि वंदन। स्थूल सूक्ष्म और कारण ये तीनों की साक्षिणी की नाते से भक्तों ने इसको त्रिपुर सुंदरी कही है। जिनका एक रूप नहीं अनेक अनेक रूप में साधकों ने इसके आराधन करी है। अधिकतम सगुण साकार के रूप में एक मां एक वात्सल्य मूर्ति आर्द्राम पुष्कणिम पुष्टाम पिंगलाम इस प्रकार की मां को संबोधन किया। इस विषय जो है क्योंकि हमारे पास तो 3 दिन है अधिक समय नहीं फिर भी देखो गागर के अंदर गगरी के अंदर सागर आ सकता है गगरी के अंदर सागर आ सकता है बाकी सागर की व्याप्तता जो है वो गगरी में नहीं आ सकती। तो हमारी अल्प बुद्धि और अल्प समय हमारे पास जो है इसमें मां का कुछ आशीर्वाद हमारे अंदर आ सकता है बाकी मां की जो व्यापकता है ना तो हम समझ पाते हैं ना उसको पकड़ पाते हैं। फिर भी जिस तरह से एक शराबी एक ही पेग पी ले तो उसको नशा चढ़ जाता है ये जरूरी नहीं कि पूरी बोतल को पिए तभी नशा चढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जितना हमारे पास समय है माँ की कृपा माँ का आशीर्वाद माँ का वात्सल्य माँ का प्रेम जो है हमें थोड़ा सा भी मिल जाए तो ये जीव मदोन्मत्त और अपने आप को कल्याण और कृपा के पात्र अवश्य समझे। जो निर्गुण निराकार है उसकी बुद्धि में अनुभूत होती है उसकी प्राप्ति नहीं होती। जिस प्रकार से आकाश में हवा है तो हवा की अनुभूत हम ले सकते हैं हवा को पकड़ नहीं सकते लेकिन जिस तरह से पानी मुट्ठी में पकड़ने के लिए जाओ तो वो बह जाएगा बाकी पानी यदि बर्फ बन जाए तो आप उसको पकड़ सकते हो। ठीक उसी प्रकार से वेदांतियों का जो ब्रह्म निर्गुण निराकार चैतन्य अभिन्न नित्य शुद्ध बुद्ध तत्व जो है वो भले ही अप्राप्य चीज हो बाकी जब वो सगुण साकार का रूप धारण करता है तो भक्त उसकी प्राप्ति अवश्य कर सकते हैं। तो ये मां का स्वरूप गोस्वामी जी ने मैं न बोल रहा हूं तो मानस में ये कह दिया गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। जिस तरह से वाणी और उसका अर्थ को अलग नहीं कर सकते जिस तरह से चंद्रमा और उसकी किरणें को अलग नहीं कर सकते सागर और लहरों से आप अलग नहीं कर सकते ठीक उसी प्रकार से चाहे वो नारायण हो या नारायणी हो चाहे वो शिव हो चाहे वो शिवा हो वस्तु तत्व एक ही है। यदि ये पिता है तो माँ भी है माँ है तो पिता भी है। वैसे तो वेदांतियों का ब्रह्म तो किसी का नहीं है बाकी जो कोई मान बैठे कि वो मेरा है तो प्रभु उसी का बन जाता है। आइए हम भगवत्पाद शंकराचार्य महाराज हमारी ओर से माँ को हाथ जोड़कर अपनी हृदय की बात बता रहे हैं। देखो दिल की बात जो है ना कुछ कुछ लोगों को ही बताई जाती है या तो संत को बताओ या भगवंत को बताओ संसारियों को अपनी दिल की बात कभी नहीं बतानी चाहिए। संसारियों को आप अपनी बात बताओगे तो फर्क आप में और उसमें इतना ही है आप एक रुमाल से रो रहे हो संसार 2 रुमाल से रो रहा है उसको क्या बता रहे। बताना है तो जगदम्बा को बताओ ना है
वो दुख हारिणी है, क्लेश हारिणी शब्द यहां आता है, क्लेश हारिणी। ओम सर्व चैतन्य रूपां तामाद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। पशु में और मानव में फर्क कितना है कि मानव में एक चीज है जिसको हम विवेक कहते हैं। शास्त्रों ने यह बताया कि हर एक जीव में अन्नमय कोश होता है, प्राणमय कोश होता है, मनोमय कोश होता है, आनंदमय कोश होता है। गाय जब घास खाती है तो कुछ मजा आती होगी, जब तो घास खा रही है तो आनंद भी है, प्राण भी है, शरीर भी है। लेकिन मनुष्य में एक है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश माने विवेक। विवेक का अर्थ होता है डिस्क्रेशन एबिलिटी, सत्य असत्य, दिन रात, सफेद काला, तेरा मेरा, पाप पुण्य, ये विज्ञानमय कोश है। और ये जगदम्बा ही प्रदान करती है। या देवी सर्वभूतेषु श्रुति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्ञान रूपेण, मेधा रूपेण, कला रूपेण, विवेक रूपेण, शक्ति रूपेण, भक्ति अनेक अनेक है। आप दुर्गा सप्तशती को भी देख सकते हैं, मार्कंडेय पुराण में भी तो ये चर्चा आती है। हमारी यात्रा को हम प्रारंभ करें इनसे पहले एक नियम है जो हमारे शास्त्रों ने बताया है, हमारे पुरखों की यह परंपरा चली आ रही है। कोई भी भगवत कार्य हो, शुभ कार्य हो, मंगलमय कार्य हो, प्रारंभ में सर्वप्रथम देव जिसका आह्वान किया जाता है वही भगवती के बालक शिवजी महाराज के प्यारे पुत्र रिद्धि सिद्धि के स्वामी लाभ और शुभ के पिताश्री भगवान वेद ने जगह जगह के ऊपर अथर्व शीर्ष के माध्यम से गणपति महाराज का आह्वान किया है। हरि ओम गणानन्वा गणपति हवामहे।